Hello students, welcome to our YouTube channel Experience Tutor. हमारे YouTube channel में आपका स्वागत है. आज हम लोग class 12th chemistry, hello alkanes और hello arenes chapter 10 ncert solution part 2 को discuss करेंगे. आज का class start करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि अब तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे कि आप कोई भी हमारा वीडियो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाएगा जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे. चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं. हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी 10.1 के सारे प्रश्न कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10.2. गिव द यूपिक names of the following compounds. चलिए इनका solution देखते हैं. तो पहला question है ये, इसका solution हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले इसका structure हम देखेंगे. तो इसका structure CH3 CH, इसके साथ लगा हुआ है क्लोरीन, उसके बाद फिर से CH, इसके साथ लगा हुआ है ब्रोमीन, उसके बाद CH3. ठीक है, अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं, कार्बन एटम का, लॉन्गेस्ट चेन का 4. तो पैरेंट कंपाउंड हो गया 4 कार्बन एटम वाले ब्यूटेन. और यहां पे जो सब्स्टिट्यूट्स लगे हुए हैं उनका नाम लिख लेंगे. तो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है ब्रोमीन, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो. उसके बाद लगा हुआ है थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो लिखेंगे 3 क्लोरो. और पैरेंट कंपाउंड 4 कार्बन एटम है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन में, इसलिए ब्यूटेन. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट कंपाउंड ये दिया गया है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. तो सबसे पहला है CH, हम लिखेंगे CH के साथ 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो 2 फ्लोरीन लगा देते हैं यहां पे. नेक्स्ट फिर लिखेंगे C, ये वाला C, इसके साथ 1 क्लोरीन और 1 ब्रोमीन लगा हुआ है, तो लगा देते हैं 1 क्लोरीन और 1 ब्रोमीन. उसके बाद लिखेंगे 1 फ्लोरीन भी लगा हुआ है, तो यहां पे लगा दिया 1 फ्लोरीन. अब इसका नंबरिंग कर लेंगे 1 2. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में क्या है, 2 कार्बन एटम है, इसलिए इसका जो मेन कंपाउंड पैरेंट कंपाउंड हो गया इथेन. ठीक है, और इनमें जो सब्स्टिट्यूट्स लगे हुए हैं उनका नेमिंग कर देते हैं, तो वो हो जाएगा यूपिक नेम. तो फर्स्ट कार्बन एटम के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 1 ब्रोमो. उसके बाद 1 क्लोरो.
उसके बाद वन टू टू ट्राई फ्लोरो, तो फ्लोरीन, एक फ्लोरीन फर्स्ट कार्बन एटम के साथ लगा हुआ है और दो फ्लोरीन सेकंड कार्बन एटम के साथ लगा हुआ है, इसलिए वन टू टू ट्राई फ्लोरो। ठीक है, तो ये हो गया यूपेक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हमारा है CH2, CH2 के साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है, इसको लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, ये हो गया ये दोनों, उसके बाद हम लिखेंगे C, तो यहाँ पे C लगा देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद हम लिखेंगे और एक C, ये C हो गया। फिर लिखेंगे CH2, ये CH2 लिख दिया। और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे ब्रोमीन, ये ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है, अब नंबरिंग कर देंगे, वन टू थ्री फोर। इसका मतलब हो गया पेरेंट कंपाउंड क्या हो गया, ब्यूटाइन, क्यों ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, और ब्यूटेन क्यों, क्योंकि फोर कार्बन एटम है। अब इसका नेमिंग हो जाएगा, वन के साथ ब्रोमो लगा हुआ है इसलिए ब्रोमो, फोर क्लोरो, वन ब्रोमो फोर क्लोरो, बट टू आइन, ये है इसका नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सी, कौन सा वाला सी, ये वाला सी। फिर इसके साथ तीन CCl3 लगा हुआ है, तो यहां पे सी CL3 यहाँ पे लगा दीजिए, एक CCl3, दूसरा यहाँ पे एक लगा दीजिए CCl3, और तीसरा यहाँ पे एक लगा दीजिए CCl3, ये हो गया। उसके बाद और एक क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे लगा दीजिए क्लोरीन, नंबरिंग कर लीजिए, वन टू और यहां पे ये थ्री, ये थ्री हो गया लॉन्गेस्ट चेन, तब क्या हो गया प्रोपेन हो गया। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन में क्या है, ट्राइक्लोरोमिथाइल ग्रुप है, कितने, तीन, एक दो ये फिगर काफी कंजेस्टेड हो चुका है इसलिए फ्रेश एक बड़ा सा इमेज बनाते हैं। तो हम लिखेंगे ये वाले कार्बन को सबसे पहले लिखेंगे, ये कार्बन है, उसके बाद उस कार्बन के एक में तीन ट्राइक CCl3 लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको कंजेस्टेड ना बनाते हुए एक
ACCl3 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, एक CCl3 यहाँ पे लगा दिया, और एक CCl3 यहाँ पे लगा दिया, और एक Cl यहाँ पे एक Cl भी है, तीन CCl3 हो गया, एक Cl नीचे लगा दिया। अब इसका काउंट नंबरिंग कर लेंगे, 1, 2, 3 ये नंबरिंग हो गया। अब मेन मेन कंपाउंड जो हो गया वो प्रोपेन है, ठीक है। अब टू सेकेंड कार्बन एटम के साथ क्या है, ट्राइक्लोरो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, सेकेंड कार्बन एटम के साथ ट्राइक्लोरो मिथाइल ग्रुप है ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू ट्राई क्लोरो मिथाइल उसके बाद अब फर्स्ट कार्बन एटम के साथ तीन क्लोरीन है, सेकेंड कार्बन एटम के साथ एक क्लोरीन है ये वाला, और थर्ड कार्बन एटम के साथ भी तीन क्लोरीन है, तो टोटल कितने क्लोरीन हो गए, टोटल 7 क्लोरीन हो गए, 7 को क्या कहते हैं, हेप्टा। तो किस किस पोजीशन के में है, 1, 1, 1, 2 देन 3, 3, 3 ये तो क्लोरीन के पोजीशन हो गए, टोटल कितने, हेप्टा क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन तीन कार्बन एटम नंबरिंग में, तीन कार्बन एटम है इसलिए प्रोपेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो सबसे पहले इस कार्बन एटम को लिखेंगे, यहां पे लिख दिया इसे, उसके बाद इस कार्बन एटम के साथ एक साइड तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये लगा देते हैं मिथाइल ग्रुप एक, उनके साथ दो C4H4Cl लगे हुए हैं, और Cl का पोजीशन क्या है, पैरा पी, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, एक तो ये हो गया, उसके बाद ये हो गया दूसरा मॉलिक्यूल, ये दो C6H4 वाले मॉलिक्यूल बन गए। अब इनको इनका नंबरिंग कर लेते हैं, तो यहां पे पैरा पोजीशन कौन सा होगा, यहां पे सीएल लग जाएगा, इसके लिए पैरा पोजीशन कौन सा होगा, यहां पे सीएल लग जाएगा, तो इसका काम हो गया, ठीक है, दो मॉलिक्यूल बना दिए। अब इसके साथ एक CH ग्रुप लगा हुआ है, CHBrCH3 लगे हुए हैं, तो अब इसका एक CH लगा देते हैं यहाँ पे, और इस CH के साथ ये CH लिख दिया, अब इस CH के साथ Br लगा हुआ है, तो यहाँ पे Br लगा दीजिए, और इस CH के साथ CH3 लगा हुआ है, तो CH3 ये लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर।
अब नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3 और ये 4। तो पैरेंट कंपाउंड 4 कार्बन एटम वाले को क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। तो पैरेंट कंपाउंड ब्यूटेन हो गया। अब इसके सब्स्टिट्यूट्स के नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहले सेकेंड कार्बन एटम के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया 2-ब्रोमो। उसके बाद थर्ड कार्बन एटम के साथ 2-क्लोरोफिनाइल लगे हुए हैं, ये और ये 2-क्लोरोफिनाइल लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे थर्ड कार्बन एटम के साथ 3-3-22, ठीक है। और क्लोरोफिनाइल का भी यहां पे नंबरिंग करना है कि क्लोरीन का पोजीशन पता चले, तो नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। 5, 6, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरीन। तो इसको क्या लिखेंगे? 4-क्लोरोफिनाइल। फोर क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन, ठीक है। इसका ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले हम इस कार्बन एटम को लिखेंगे, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो सबसे पहले इस कार्बन एटम को लिखा, उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप बने हुए हैं 1, 2, 3, यहाँ पे ऐड कर दिया CH3, फिर ऐड कर दिया CH3, फिर ऐड कर दिया CH3, ठीक हो गया। इसका और इसका काम हो गया। अब इसके साथ लगे हुए हैं CH, लगे हुए हैं CH लगा दिया। अब उसके साथ लगा हुआ है डबल बॉन्ड, हमने डबल बॉन्ड बना लिया। उसके साथ लगा हुआ है CCl, सी और सी एल लगा दिया। और उसके साथ इसी कार्बन एटम के साथ लगा हुआ है C6H4I पैरा पोजिशन पे, तो यहाँ पे हम लगा दिए ये C6H4 ये बना दिया। पैरा पोजीशन पे आई लगा दिया, ये हो गया। अब इसका नेमिंग कन्वेंशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, तो पैरेंट कंपाउंड क्या हो गया? ब्यूटीन, डबल बॉन्ड के कारण इन हो जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट के साथ, फर्स्ट कार्बन एटम के साथ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरो, 1-क्लोरो। उसके बाद फर्स्ट कार्बन एटम के साथ ही क्या लगा हुआ है? आयोडीन, ये वाला आयोडोफिनाइल। तो आयोडीन का पोजीशन निकालने के लिए इसका भी नंबरिंग करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका नंबरिंग कर देंगे। तो इसको ऐसे नॉर्मली 1-2-3-4-5-6 कहते हैं। तो इसका नंबरिंग हो गया और फर्स्ट कार्बन एटम के साथ ही लगा हुआ है, इसलिए 1 लिख दिए। आयोडीन का पोजीशन 4 है, 4 लिख दिए। आयोडोफिनाइल, फिनाइल,
ये हो गया फोर आयोडो फिनाइल। उसके बाद थर्ड पोजीशन में क्या लगा हुआ है, आपका दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं थर्ड पोजीशन में। तो इसका कंटिन्यू करेंगे थ्री थ्री डाइमिथाइल, यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन है थ्री थ्री डाइमिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप हैं इसलिए डाई मिथाइल। उसके बाद ब्यूटीन है, तो ये पैरेंट का पैरेंट चेन जो है ब्यूटीन है, तो हम क्या लिखेंगे बट और डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है फर्स्ट कार्बन आइटम है, तो हम क्या लिखेंगे बट वन इन, बट वन इन, ये हो गया इसका फुल नेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आज का क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे आप कोई भी वीडियो हमारा मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाएगा जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। इस शुभकामना के साथ कि आपका आज का दिन मंगलमय हो, हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जल्द ही मुलाकात होगी एक नया फ्रेश क्वेश्चन के साथ, एक नया फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।